अब ये देखो, हम लोग आए हैं मंदिर में। अब ये कौन सा मंदिर, कौन सा मंदिर है, कौन सा? महादेव मंदिर, महादेव का मंदिर है गांव और बहुत साल पुराना मंदिर है, तो ये देखने लायक है। तो हम ये आ गए हैं और ये गाड़ी खड़ी है MH 28, तो ये लोग निकालेंगे। तो इसके लिए अपन ये गाड़ी ऐसे ऊपर खड़ी कर देते हैं। भाई साहब, आपने ये बाल ऐसे ओरिजिनल आपके ऐसे हैं कि आपने बनाए? ओरिजिनल, ऐसे ओरिजिनल है? कहाँ बनते हैं ये? बना के लाया हूँ। तो फिर और, तो आप सबका स्वागत है आज के व्लॉग में। तो आज हम ये चिकली के पास में, दोबारा बोलना है यार, कौन सा, क्या बताया ना मंदिर का नाम? साके गांव मंदिर, और बहुत ही पुराना मंदिर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। अभी इसके अंदर झुकके से जाना है अपने को, खोपड़ा फूट जाता है। यह देखो, है ना, जोरदार मंदिर लग रहा। कम से कम कितने साल पुराना होगा ये? 100 साल पुराना है। हाँ होगा भाई, मतलब पत्थर का बना हुआ पूरा। अभी नजदीक से देखते हैं। भारतवर्ष में देखो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं कि आपको बस सोचने पे आपको मजबूर कर देगी। तब नजदीक से देखते, छोटा सा मंदिर है शंकर भगवान का, पूरा पत्थर से बना हुआ। देखो ये आसपास की एरिया दिखाता हूँ मैं, अभी भी ये बिल्कुल बहुत रिमोट एरिया में है। और जब पहले जिस जमाने में ये मंदिर बना होगा ना, तब कितनी एकदम अद्भुत एरिया। पूरा मैंने गोल चक्कर लगाया है ये कैमरा से। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है ऐसे ये अभी किसी, आप क्या कौन सा क्या बोलो, 700 से ज्यादा है? 700 से ज्यादा है ये। मेरे को भी ऐसे देखने में लग रहा है 700 साल से पुराना है ये, यादव के टाइम का है ये। हाँ, तो यादव राजा थे क्या? हाँ थे ना यहाँ पे। अच्छा, पर इसको एक्चुअली हम लोग हेमाड़पंथी कहते हैं। हेमाड़, ये उनके एक पीएम थे, मतलब मंत्रीगण में थे, उन्होंने काफी मंदिर बनाए, तो वो जो काल में बने थे उनको सारे हेमाड़पंथी कहते हैं। अच्छा, हेमाड़पंथी मंदिर है। पूरा डिटेल तो और अभी जैसे जैसे देखेंगे तब पता चलेगा। ये शायद अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसका रेस्टोरेशन हुआ है, उसमें पत्थरों में नंबर्स डले हुए हैं लास्ट सिक्स मंथ में। और ये संरक्षित स्मारक आ रहे, वाह वेरी गुड। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होने की वजह से अब ये देखो कितनी साल पुरानी अपनी हेरिटेज है। ये एंट्रेंस है, ये देखो आप, मस्त। ये पत्थर रखा हुआ ऊपर, फिर ये बीच का सपोर्ट, फिर एक पिलर रखा हुआ है। और ये पूरा पत्थर का काम है, देखो पूरा स्टोन वर्क। ये क्या है, इस कैमरा में क्या सेटिंग हो गई मुझे नहीं पता, कि पीछे का ना बैकग्राउंड नहीं कर रही, सिर्फ फेस डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं इसको आपको पीछे जो दिख रहा है आपको, ये इधर ये मंदिर दोबारा से दिखाता हूँ। और आपको मतलब आप थोड़ा सा भी आपको आर्किटेक्चरल या इंटीरियर या बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग से रिलेटेड थोड़ा सा भी सेंस होगा ना, आपके मन में इतना सम्मान आएगा जो भी अपने भारतवर्ष के जो कारीगर थे उनके ऊपर, कि मतलब आप बस इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी कम रिसोर्सेज में, उस जमाने में कितने कम रिसोर्सेज थे होंगे, और इतना सुंदर और इतना प्यारा मंदिर, और वो भी पत्थर में, और वो भी कार्विंग करके, और वो भी इतना इंस्टॉल किया है, और लॉकिंग सिस्टम में लॉक करके, एक के साथ दूसरा आइटम लॉक है, दूसरे के साथ तीसरा आइटम लॉक है। और यहाँ पर मैं ये मौका तो मैं चूक ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने हमारे जो शानदार शानदार मंदिर तोड़े उनको मैं दिल से समझिए वो दे रहा हूँ। तो आप अभी शंकर जी के दर्शन करने से पहले उनके मंदिर का दिव्य दर्शन करिए। और ये देखिए क्या मस्त कार्विंग, देखो पत्थर है पूरा फुल पीस स्टोन, और कितना टाइम लगा होगा कितना। और ये हालांकि इसका जो बिल्कुल, ये तो छोटी सी स्कूल है ऐसे समझ लीजिए, इसकी जो यूनिवर्सिटी है ना वो कोणार्क, अगर आप कभी सूर्य मंदिर जाओगे तो वहाँ में ना इसकी यूनिवर्सिटी दिखेगी आपको, यूनिवर्सिटी। और ये एक छोटी सी स्कूल है, और क्या मस्त मंदिर है यार, क्या मस्त मंदिर है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे कितना आनंद आ रहा है, और मैं वेदांत जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पे मेरे को लेके आए। आहा, ध्वज लहरा रहा, देखो कितना सुंदर लग रहा। ये देखो अभी कितने कितने साल पुरानी मूर्तियाँ होगी। ये नंदी महाराज है, ये भी नंदी महाराज है, ये भी नंदी महाराज है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्यों है? और ये पीछे कुछ ये मेटल का है, क्या चीज़ है मुझे नहीं मालूम। ये बीआई जी ने बताया, देखो कितनी अच्छी चीज़ है। ये घंटी से दिखाना चालू करता हूँ, और ये टैणा टैणा लकड़ी पे भी नहीं बना। ये देखो ये मतलब लकड़ी पे बनाना भी कितना मुश्किल होगा, और ये पत्थर में बना हुआ है। पत्थर समझते हो, पत्थर स्टोन कार्विंग है। पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देखो यहाँ पे कार्विंग है, और ये देखो आप कार्विंग नज़दीक से दिखाता हूँ मैं बिल्कुल। ये देखो स्टोन कार्विंग है, कितना टाइम लगा होगा।
कौन सा बसाल्ट हमारे जो टेक्निकल 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 एक्सपर्ट है उन्होंने बताया है कि ये बसाल्ट रॉक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक है। उनके पास भी एक पत्थर पड़ा हुआ है कार्विंग किया हुआ। चीनी नहीं खाऊंगा बेटा मैं, थैंक यू। ये गुड़िया है ना चीनी बांट रही है, ला चीनी बांट रहे हैं। अबे बिल्कुल वो जो लाइट दिख रही है ना छोटी सी, वो दीपक जल रहा है और बिल्कुल अंधेरा है, तो हम आपको अंधेरे में लेके चलते हैं, बिल्कुल डार्क। हम कैमरा को धन्यवाद देंगे जितना भी ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा। ये देखो आप जितना रिकॉर्ड कर रहा है ना वही चीज़ है। ओहो हमारे कौन साहब ने लाइट जलाई हमारे लिए, वाह थैंक यू वेरी मच। ये देखो क्या मस्त लाइट पड़ी हुई है, नीचे 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 नीचे। ये देखो ये लाइट मैन हमारे कौन साहब हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी टू क्रिएट द कॉन्टेंट। और ये आह क्या दिव्य, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह। शंकर भगवान की जय हो, शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार, लज्जा मूरी राखी है नंदी के अंदर पूजा चल रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो कितनी कार्विंग है, ऊपर ही मंदिर का मेहराब बना हुआ है, ये दोनों तरफ देखो। अरे बाप रे बाप, देखो इतनी महीन। ये जिस जमाने में किया होगा ना कार्विंग कौन सा, तब भी ऐसे लाइट की समस्या तो थी होगी, है ना? मसाल जला जला के किया होगा। और ये ऊपर देखो, ओहो वाह 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 वाह, ये देखो दिव्य दर्शन। कौन सा एक बार ऊपर करना लाइट, वाह क्या बात है। ऑल क्रेडिट ऑफ वीडियो गोज टू वेदांत तिवाड़ी जी। ये देखो ये गोला बना हुआ है और ये आर्च कटिंग, ये देखो कितनी अच्छी करी है, वाह वाह। ये भाई साहब पेड़े बांट रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। ये मंदिर के अंदर से बाहर जो मेन एंट्रेंस है ना उसका लुक है, देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो क्या मस्त, ये दिव्य दर्शन मंदिर का। और ये मुझे लगता है अभी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने कुछ लिया है चार्ज, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। और सामने देखिए दृश्य बड़ा अच्छा है, पेड़ों के पीछे से सूर्य भगवान झांक रहे हैं। और इधर ये मंदिर का दृश्य थोड़ा और मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, वाह। ओहो ये तो हमारा, अरे ठाकुर जी है, ठाकुर जी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता मैया, वाह। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पताय नमः। बोलो राम जी महाराज की जय हो, जय हो। मैं थोड़ा दूर आके वीडियो ले रहा हूँ पर यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देखो ये ऊपर में इस जगह से यहाँ से ऊपर की देखना आप एम्ब्रॉयडरी, जूम करूँ क्या? ये देखो ये एम्ब्रॉयडरी और ये ऊपर क्या मस्त। ये जो पत्थर रखा हुआ है ना ये ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है, ये एक थ्रेटनिंग स्टोन बोल सकते हैं, धमकी। जो कोई आदमी मंदिर की जमीन पर बुरी नजर डालेगा उसको मतलब उनके साथ ऐसे अत्याचार किया जाएगा, उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जाएगा, ऐसे इसमें ये जो फोटो दिखा करके डिपिक्ट किया गया है ताकि कोई भी आदमी मंदिर की जमीन पर बुरी नजर नहीं डाले। इसको गाली बोल सकते हैं, धमकी बोल सकते हो, थ्रेटनिंग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये मंदिर का पीछे का भाग है और ये पीछे से गार्ड कर रहे हैं जो भी देवता हैं वो। और ये नीचे का फ्लोर आ गया, ये कंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है ना वो भी आप देखो, नीचे नीचे इतना जो लेयर है ये नीचे का प्लेटफॉर्म हो गया, फिर ये इतना ऊपर, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सेकंड लेयर हो गया
और फिर ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, तो ये देखो आप यहाँ पे ये मंदिर, फिर वापस मंदिर, फिर वापस मंदिर, फिर वापस मंदिर का फॉर्मेट, और ये ऊपर तक जा रहा है और ऊपर ध्वज ले रहा है। ये देखो ये कौन सा मंदिर है, प्राचीन हेमाडपंथी महादेव मंदिर। अब गूगल कर लेना हेमाडपंथी क्या होता है। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उठे उठे जाओ। तो ये था साके गांव, जो है ना बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में चिकली टाउन है, उसके पास में जो ये महादेव का मंदिर है, ये पीछे आपको दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा पता नहीं, कैमरा में कुछ सेटिंग है, इसे मुझे ही डिटेक्ट करता है और फेस डिटेक्ट करने की वजह से पीछे का कुछ भी है ना ढंग से दिखा नहीं रहा, तो फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है मेरे हिसाब से अलग से कैमरा में, तो आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम किसी और दूसरे व्लॉग में।